नहीं दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे बड़ौदा से मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। अधिकतर जब हम लोगों से अब मिलते हैं, या पहले की भी बात है, तो जब हम बात करते हैं कि कैसा चल रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं ओके है, कुछ लोग बोलते हैं चल रहा है, कट जा रहा है, या देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे सवाल करूं, जिस कॉन्सेप्ट पर मैं आज तक काम कर रही हूं, फाइनेंस फ्रीडम, तो अगर मेरे सवाल से आपका पूछूं कि क्या आप फाइनेंस फ्रीडम चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या? तो अगर आपका क्या आंसर रहेगा, हाँ फाइनेंस फ्रीडम तो हम चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, तो आप बोलोगे बिजनेस करेंगे या फिर वही जॉब करेंगे। तो बिजनेस करने की जब बात आती है, तब आता है बहुत बड़ा पैसा लगाना है। अब पैसा लगाना है तो रिस्क फैक्टर भी है, टेंशन भी है, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मार्केट चल रहा है, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी के ऊपर आज का हमारा सेशन है कि एक्शन प्लान हम आपको दिखाएंगे, एक रोड मैप देंगे आपकी फाइनेंस फ्रीडम की ओर, कितना आसानी से जा सकते हैं, साथ में आपकी लाइफ में लग्जरी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट या वेरी लो बजट में आप कैसे कर सकते हैं। तो इसी को बताने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो आपको हर एंगल से आज का पूरा सेशन बताएंगे और किस तरीके से आप एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। तो मैं चाहूंगी नीता जी, हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर, इसको बताएंगे कि जो आज तक ट्रेंड चल रहा था ट्रेडिशनल बिजनेस, उसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग, और इसको कैसे कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगी, साथ में इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वहां से आप कैसे आगे जा सकते हैं अपने रोड मैप टू फाइनेंस फ्रीडम। नीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू रेणु जी। तो आज मेरा नाम नीता केमकर है और मैं डायरेक्टर लेवल में हूँ और मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी ओन करती हूँ जो मैं चलाती हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है और अभी का जो समय है उसमें हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहूंगी और दोनों का मैं कंपैरिजन करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है उसमें सबसे पहले हमको ये सोचना होता है कि आइडिया हमको क्या आइडिया के ऊपर कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हम कौन सी जगह बिजनेस करना चाहते हैं, फिर उस जगह में वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, और फिर उसमें कितना पैसा लगाना, आपको सोच के हमको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब कॉन्सेप्ट और आइडिया होते हैं, तो हमको कुछ भी हमको प्लानिंग या हमको जगह लेना, कुछ भी हमको एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ती, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और जो कंपनी का जो सिस्टम है उसको खाली हमको फॉलो करना है। तो उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमको हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करने जाते हैं तो हम जाते हैं कि पहले से ये जो इसका नाम ही पड़ा है ट्रेडिशनल, बहुत पुराने समय से तो क्या होता है कि इसमें हमको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है, क्योंकि हमको रेंट से अगर जगह लेनी है या जगह खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देना है, या फिर बहुत सारे जो इंश्योरेंस निकालना है, इसके लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। तो इसके लिए बहुत बड़ी हमको एक इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है। पर डायरेक्ट सेलिंग या जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसमें हमको कोई भी खुद का पैसा हमको डालना नहीं पड़ता है। मतलब इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, खाली हमको क्या करना है कि हमारी जो जरूरत की जो चीजें हैं जो घर में लगती है या हमको जो चाहिए वो चीजें हमको सिर्फ कंपनी से खरीदनी पड़ती है, और इसी तरह से हम अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेते हैं। फिर तीसरा जो इसमें डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है कि एक्सपीरियंस, तो हमको क्या होता है कि एक्सपीरियंस उनको चाहिए कि
उस वो कैसे उस बिजनेस को चलाना है। तो उसके लिए क्या होता है कि उनको एम्प्लॉयज वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोगों को रखना पड़ता है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो दादा परदादा उन्होंने जो बिजनेस किया है उसको ही वो फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उसमें उनको मालूम है कि मेरे पिताजी में उनका उसमें एक्सपीरियंस है, तो वो ही बिजनेस को वो चलाते, फिर चाहे उसमें उनको लॉस भी हो जाए पर दे स्टिक टू दैट बिजनेस। पर हमको जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है इसमें हमको कोई एक्सपीरियंस की कोई खुद की एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी अपलाइन होती है वो हमको बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है कि आपको अभी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमको वो बताते हैं और हमको गाइड करते हैं। फिर जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है वो हम हमारे डाउनलाइन को बताते हैं। तो इस तरह वो एक्सपीरियंस हमको बहुत ही जल्दी से विदाउट पेइंग एनीथिंग हमको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर होता है कि फिक्स्ड ओवरहेड, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि हमको एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, फिर उनकी सैलरी देनी पड़ती है, फिर उनका इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, फिर जो ऑफिस लिया है या शॉप लिया है उसका रेंट भरना पड़ता है, उसके फिक्स जो एक्सपेंसेस है वो हमको पे करने पड़ते हैं, और रॉ मटेरियल देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि उनका जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स ओवरहेड्स जो होते हैं वो मंथली काफी हाई जाते हैं। पर हम जब नेटवर्क मार्केटिंग या ये करते हैं इसमें हमको कोई भी फिक्स ओवरहेड होते नहीं, हमारी इसमें कोई हमको फिक्स खर्चा नहीं होता है, हमारा हमको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, कोई लोड नहीं है हमारे ऊपर, कोई लोड नहीं रहता है, कंपनी सारी चीजें वो खुद ही हमको रेडीमेड करके हमको प्रोडक्ट देती है। तो ये बहुत ही इजी होता है, देर इज नो टेंशन, देर इज नो हमको बहुत वर्कलोड नहीं होता है। फिर क्या होता है कि दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल की दुनिया में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ज्यादा बढ़े। तो उसमें क्या करते हैं वो अपने बिजनेस का जो उनके जो अच्छाइयाँ होती है उसको सीक्रेट रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो किसी को वो नहीं बताना चाहते। फिर दूसरा क्या है कि अभी बहुत सारे बिजनेसेस जो बहुत बड़े पैमाने में हैं तो उनसे कम्पीट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमको हम उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। पर हमको यहाँ क्या है कि जो हमारी अपलाइन होती है वो हमको सारे हमारे जो बिजनेस के जो जो टैक्टिस है या जो मेथड हमको फॉलो करना होता है वो हमको मोटिवेट करके वो हमको बताती है। तो इससे क्या होता है कि हमको बहुत ही आसानी से हमको क्या करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में वो हमको इजीली मिल जाता है। फिर इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत रिस्क है, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है या आपका प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है या उसमें वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, तो हम क्या होता है फिर हमको उसमें फिर वी वॉन्ट टू सेल द बिजनेस। तो जब भी हम उस बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो उसमें काफी हमको लॉस हो जाता है। तो इसमें काफी, तो फिर क्या अगर मैंने रेस्टोरेंट खोला और मैंने उसमें करीब 20-1 लाख का मैंने फर्नीचर लिया और जो कुछ चीजें खरीदी, तो अगर वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है कि मैंने वो बिजनेस का मुझे बहुत ही लॉस होता है। पर जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें हमको कोई भी लॉस नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना कंपनी पारी हमको प्रोविजन करती है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। फिर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग बहुत सारी करनी पड़ती है तभी वो बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलता है। पर हमको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी मार्केटिंग कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, हम जितना बिजनेस को जितना हम खुद काम करेंगे उतना हमको सक्सेस मिलता है। होता है कि सक्सेस और स्टाफ, मतलब कि हमको बहुत स्टाफ के ऊपर अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखा जाए तो हमको स्टाफ के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता है या पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो अच्छा काम करे तो ही मुझे सक्सेस या मुझे पैसा मिलेगा। पर इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। तो फिर इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम हमारा एक ही एम होता है कि पैसा कमाना,
तो किसी तरह से हम उस पैसे को कमाना चाहते हैं, पर हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद हम लोगों को एक फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रास्ता बताते हैं, जिससे क्या होता है कि वो भी पैसा, वो भी एक फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, और उसके साथ साथ हमको भी उस फाइनेंशियल पाथ में हम जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो हम एक जगह या एक सिटी में ही करते हैं, पर जैसे वो एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है, वहां ही उसको हम कर सकते हैं, उसके आजू बाजू ही हम बिजनेस कर सकते हैं। पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम इसको कर सकते हैं, और कोई भी टाइम में हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉलिसी, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें क्वालिफाइड लोग ही काम कर सकते हैं, जो उस प्रोडक्ट के लिए काम कर सकते हैं। पर जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें जवान, बूढ़े, घर पे बैठी औरतें या विकलांग लोग, कोई भी इस बिजनेस को, जब जो उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है पर वो बिजनेस को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अभी हम देखते हैं कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर लास्ट पॉइंट मैं बता चाहूंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस जब हम बंद करते हैं तो हमको काफी हमको बहुत जो इन्वेस्टमेंट थी उसको खोना पड़ता है, पर जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं इसमें हमको कोई भी समय अगर हम बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो हमको कोई भी लॉस नहीं। थैंक बहुत बढ़िया नीता जी, यू। आपने पूरी अच्छी तरह से इसको समझा दिया। मतलब मेन कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जाते हैं तो प्लस 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 ही है। चलिए अब देखते हैं कि हमने जान लिया ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, तो आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस, वो भी मोदी केयर डीपी और कैन बी, मतलब मोदी केयर डीपी को कैसे रन कर सकते हैं। इट कैन बी अ ट्रेडिशनल बिजनेस एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको ब्रीफ करने के लिए नीता जी हमको थोड़ा सा और बताइए। हाँ, थैंक यू रेणु जी। मैं अपना एक मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या होता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है ये होता है कि जो कंपनी हमारी, जो मोदी केयर की कंपनी है, उसका जो आउटलेट है वहाँ जहाँ कंसल्टेंट आके अपनी चीजें लेते हैं और ऑर्डर बुक करते हैं, तो ये हमारा डीपी स्टोर है। तो ये जो डीपी स्टोर है ये कैसे हमको खोल सकते हैं, तो ये कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो डीपी स्टोर है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए 2 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट। तो वो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप कभी भी एक डीपी स्टोर खोल सकते हैं, इसको कोई आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और जब ये इसमें 1,75,000 जो होते हैं उसमें आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि आपको दुकान जब स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमको सारे जो 13 रेंज होती है हमारी जो कंपनी की है, जैसे फूड एंड बेवरेज, एग्रीकल्चर, फिर हमारे होम केयर या लॉन्ड्री केयर, ये सारी उसमें कैटेगरीज आती है। तो उस कैटेगरी के हम थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स उस 1,75,000 से ले सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि 25,000 जो उसमें बचता है वो होता है हमारा, जो हम एज अ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी रखती है। तो क्या होता है, जब भी हम बिजनेस को अगर बंद करना चाहे तो उस बिजनेस वो 25,000 हमको मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो उसका इंटरेस्ट होता है वो फिक्स में डालते हैं तो हमको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। फिर इसमें इसमें और एक चीज हमको चाहिए कि कम से कम हमारा जो डीपी सेंटर है वो कम से कम हमको 50 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और इसमें उस 50 स्क्वायर फीट कम से कम, उससे बड़ा तो आप कर ही सकते हैं, और आपके पास एक कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन आपको करना चाहिए। फिर उसमें और एक होता क्राइटेरिया होता है कि आप कम से कम असिस्टेंट सुपरवाइजर की टाइटल में आप रहना चाहिए, उसके ऊपर तो रह सकते हैं जैसे डायरेक्टर उसके ऊपर, पर आपको कम से कम असिस्टेंट सुपरवाइजर के पोस्ट पर होना चाहिए,
और आपका टाइटल कम से कम 13% तक होना चाहिए, तभी आप एक डीपी सेंटर खोल सकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि इस डीपी सेंटर में क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है हम हर के लिए, तो वो 4% सब्सिडी हमको मंथली मिलती है। तो अगर हमारा समझ लीजिए 1 लाख का हम प्रोडक्ट सेल करते हैं डीपी सेंटर में, तो 1 या 2 लाख का तो हमको कम से कम 4,000 तक हमको उसका ये मिल जाता है, बोनस मिल जाता है और वो हमारे बैंक में जाता है। फिर अगर हम ये देखें तो हमको इसमें एक रिकग्निशन मिलता है कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, रिकग्निशन अच्छा लगता है। फिर उसमें हमको जो हमारे कंपनी के ऑफर्स होते हैं, जैसे पिछले महीने था, ये महीने है 3 लिप बाम, जैसे आप देख सकते हैं लिप बाम है, तो उसको 3 लिप बाम लेने के लिए आपको कम पैसे भरने पड़ते हैं। तो उसी तरह वो अगर मैं किसी कंसल्टेंट को दूंगी जो, तो उसका जो प्राइस है उसके ऊपर मैं बेच सकती हूँ। फिर ऑफर जैसे ये प्रोवाइड का ये है शीट मास्क है, उसके ऊपर भी लास्ट मंथ ऑफर था। तो ऐसे मंथली ऑफर आते रहते हैं। फिर हम लॉयल्टी जो लेते हैं उसके ऊपर भी हम लोग जो प्रोडक्ट हमने खरीदा वो भी मैं इस डीपी सेंटर में रख सकती हूँ। फिर जो हमारे कंपनी हमारे डीपीज के भी प्रमोशंस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का हमका कमिटमेंट होता है, क्योंकि जैसे मैं अभी डीपी सेंटर मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसको तुरंत तो बंद नहीं कर सकती, करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा प्रोडक्ट लिए हैं, ये सारी चीजें ली है। तो क्या होता है कि मैं स्लोली एंड स्टेडीली मैं इस बिजनेस में रहती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। फिर इसमें हमारी जो एक और अच्छा ये है कि जो मेरी अपलाइन है या जो मेरी डाउनलाइन है या मेरी क्रॉसलाइन है, तो वो भी हमारे यहाँ आके बिलिंग करती है, तो उसका भी मुझे प्रॉफिट मिलता है। फिर जो मेरी डाउनलाइन है तो उनको एक अच्छा डीपी सेंटर मिल जाता है, तो उनको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसमें पीवी ज्यादा है, किसमें वीवी का ज्यादा है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम शेयर कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो इट्स अ वेरी गुड सर्विस टू अवर टीम मेंबर्स। फिर हम देखते हैं कि इसमें वॉक इन कस्टमर्स भी आ जाते हैं, तो एक इजीली जो इसमें और एक क्या चीज है, अगर हमारे कोई कंसल्टेंट आ गया तो उसको मालूम नहीं है प्रोडक्ट, तो उससे वो जो वेब में उसके पिक्चर्स छोटे छोटे दिखते हैं, पर अगर जब यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छी तरह से वो देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। और फिर मैं और एक बहुत एक अच्छी चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे एक फाइनेंशियल वाइज डिसीजन ले सकते हैं, एक डीपी खोलकर एक फाइनेंशियल वाइज डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी 2 लाख इसका इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम 2 लाख रुपए हम बैंक में रखते हैं तो उसका हमको क्या मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे रखते हैं तो उसका हमको 6% का हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो दैट मीन 6% का 1 लाख का इंटरेस्ट हो जाता है एक साल, एनुअली हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में 12 महीने में हमको उसका मिलता है करीबन 12,000। और वही तो इसमें क्या होता है कि हमको मंथली तो कुछ मिलता नहीं, एक एनुअली हमको 12,000 मिल जाता है, पर वही जब हम डीपी सेंटर में डालते हैं तो उसका हमको जो सब्सिडी मिलती है तो उसमें वो 4%, और अगर हमारा सेल ज्यादा है तो वो 6% तक भी जाती है। तो क्या होता है कि अगर हमने मंथ में समझ लीजिए 1 लाख कर लिया, तो सेल कर लिया, तो हमको अगर सेल 1 लाख या 2 लाख, तो हमको मंथली मेरे मुझे बोनस मिला 4,000 एक मंथ में। तो अगर मैं 12 मंथ करती हूँ तो मुझे इसका प्रॉफिट होता है 48,000। तो आप देख लिए कहाँ 12,000 और कहाँ 48,000। तो इसी बात पर मैं चाहूंगी कि आप एक वाइज डिसीजन ले और यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ डीपी, हमारे हर एक लेग पे एक डीपी तो होना चाहिए। और इसका और एक होता है कि एडवांटेज होता है कि
हमारा जो वेब है मोदी केयर का, उसमें हम उस वेबसाइट पे हमारा जब हम रजिस्टर हो जाते हैं तो हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा टेलीफोन नंबर उसमें आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी लोग नए डीपी खोज रहे हैं तो उनको हमारा नाम और उस एरिया में है तो वो वहां से डायरेक्टली वो नाम देख कर हमारे डीपी में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा हमारा ये डीपी का एक बहुत ही अच्छा हमारे बेनिफिट्स है। बहुत बढ़िया अनीता जी, तो मुझे लगता है आपने मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर कर लिए कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस से हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, और डायरेक्ट सेलिंग में भी बेस्ट ऑप्शन अगर हमको देखना है तो मोदी केयर का डीपी, और क्यों करना है क्योंकि टीम यहाँ पर काम करती है, साथ में कंपनी हर एक प्रमोशन आपका हर एक चीज वो देख रही है। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि कुछ क्वेरीज अगर किसी के माइंड में हो तो हमारे साथ और भी लोग हैं जो जिनके ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं लोगों के, तो वो एक प्रेजेंटर रहेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जरा उनको क्लियर कर दीजिएगा। नूतन जी, आपके क्या क्वेश्चन होगा, आप पब्लिक की तरफ से आप पूछ लीजिए। थैंक यू मैम। नीता जी, मेरे कुछ क्वेरीज हैं, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीपी स्टोर में केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही सामान ले सकते हैं या बाहरी कोई भी आकर ले सकता है? तो ये एक्चुअली फर्स्ट तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो ज्यादातर हमारे जो मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं वो यहाँ आते हैं, पर दूसरे जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो वो यहाँ आकर उनकी खरीदारी कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि जो वॉकिंग कस्टमर आएंगे उन्हें सामान हम एमआरपी पर बेचेंगे या डीपी पर? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। जब वो वॉक इन कस्टमर्स आते हैं तो वो प्रोडक्ट को देखते हैं, और वो यूजुअली हम क्या होता है सुपरमार्केट में जाते हैं तो पीछे हम प्राइस देखते हैं, तो वो देखते हैं पीछे प्राइस देखते हैं, तो फिर उनको पता चल जाता है कि ये इसकी प्राइस है। तो हमको जो बाहर के वॉक इन कस्टमर्स, रिटेलर, रिटेल कस्टमर्स हम कहते हैं, तो उनको हम एमआरपी पे ही बेचेंगे। पर अगर वो हम उनको समझा सकते हैं कि अगर आप हमारे इस कंपनी में जुड़ जाते हैं, अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं, तो यही प्रोडक्ट आपको डीपी प्राइस में, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में जो कम होता है एमआरपी से, वो आप ले सकते हैं। और इसमें वेरियस जो हमारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे जो 10 प्रकार के जो बेनिफिट्स है, वो सारे उनको वो पा सकते। अच्छा, इसे हम ये जो इसके लिए हमें अलग से दुकान लेनी पड़ेगी या फिर किसी भी बिजनेस के साथ हम इसे कोलैप्स कर सकते हैं? इस बिजनेस का एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अगर हमारा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हम कर रहे हैं और उसके वहाँ ही हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी खोल सकते हैं, और दोनों बिजनेस हम एक साथ कर सकते हैं। पर इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो इसकी कैटेगरीज तो काफ़ी होती है, तो वो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे हमको दूसरे उस ट्रेडिशनल बिजनेस के इसमें रखने नहीं। अच्छा, इसमें कितना फास्ट, इसको खोलने के बाद हमारा ग्रोथ कितना फास्ट होता है? इसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट है, क्योंकि क्या है कि इसमें हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने मेरी कुर्तीज भी रखी है, तो मैंने मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बुटीक का है, तो उसमें मैं थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रखती हूँ, और कुर्तीज ये सब कपड़े भी रखती हूँ, बैग्स वैग्स भी रखती हूँ, तो ये इससे भी मुझे इनकम तो हो रही। तो उसके साथ साथ मैं जब मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी रख रही हूँ यहाँ पर, तो इसका भी मुझे बोनस मिल रहा है। तो जैसे मैं तो दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा एक है कि अगर मैं आगे आगे जाती हूँ एज अ कंसल्टेंट, मैं आगे आगे जाती हूँ, जब मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाती हूँ या उसके ऊपर पहुंचती हूँ, तो मुझे और भी कंपनी से काफी सारी बेनिफिट्स जो मिल रही है मिलती है, तो उसको भी मैं अवेल करती हूँ, और जो डीपी का जो बोनस है वो दोनों को मैं कर सकती कंपनी की तरफ से हमें क्या हूँ। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग मिलती है? हाँ,
कंपनी टाइम टू टाइम उनकी बुकलेट भी होती है हाउ टू ऑपरेट डीपी, वो होता है, और उनको ऑनलाइन भी हमको इसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, और हमारे टाइम टू टाइम हमारे मोबाइल पर इसके मैसेजेस आते रहते हैं कि ये करना है ये करना है, या अभी FSSAI का रजिस्ट्रेशन करना है या कुछ करना है, तो उसके भी मैसेजेस आते रहते हैं। फिर हमारी जूम मीटिंग्स जो हमारी MSC है बड़ौदा की, तो वहाँ की जूम मीटिंग्स भी उनके होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए, और वो जूम मीटिंग में हमको पूरा बताते हैं कि इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको सेल्फ स्टॉक से कैसे आप इसको बुकिंग कर सकते हो, उसमें क्या फायदे हैं, फिर आप कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे स्टॉक देख सकते हो, और सो ये सारी हमको इंफॉर्मेशन और पूरा हमको समझाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टर बनने के बाद हमें बोनस मिलता है, तो क्या डीपी खोलने के बाद भी उसका बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, हमको डायरेक्टर बनने के बाद जो भी हमको कार फंड या ट्रैवल फंड या जो कुछ फंड जो आगे चालू हो जाते हैं वो सारे हमको मिलेंगे, और उसमें हमको डीपी का उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं। ओके। दो मोदी डीपी केयर शॉप के बीच, दो मोदी केयर शॉप के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अच्छा, बाकी सब सिटीज में तो वो दो डीपी सेंटर के बीच में 1 किलोमीटर होना चाहिए, और जो बहुत ही पहाड़ी के ऊपर जो हिली रीजन होता है वहाँ या तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रखना पड़ता है। पर गुजरात में है अभी ये हुआ है पिछले साल से कि आप 500 मीटर के डिस्टेंस में भी आपका डीपी खोल सकते हैं, मीन्स एक दो डीपी के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस चलता। जब हम बाहर के किसी दुकान में जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट दुकान में जाते हैं, तो वहां हमें बहुत तरह के सामान देखने को मिलते हैं, तो आपके डीपी स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या मैं देख सकती हूँ, हाँ जान सकती हूँ श्योर। उसके बारे में? जैसे ये आप देख सकते हैं F&B के जो प्रोडक्ट है ये सारे मैंने अभी रखे हैं, पूरे मसाले हैं, फिर किनोआ है, फिर यहाँ पर हमारा ये हनी है, चाय, शायद नीता जी का कनेक्शन, कोई बात नहीं, मुझे दिख लगता रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर हमारे जो वेल के जो सप्लीमेंट्स है वो भी हमारे पास सभी है, और जो अभी भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो जैसे तुलसी है, टर्मरिक है, ब्रेन एक्टिव है, विटामिन सी है, विटामिन D3 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड, फिर अश्वगंधा है, फिर इंटेलेक्टे है, ब्रह्मी है, एलोवेरा है, फिर त्रिफला है, आंवला है, नोनी की टैबलेट्स भी है, तो ये काफी रेंज है। फिर हमारे पास कैल्शियम है, डिटॉक्स है, पुदीना है, अमृत शक्ति है, तो ये सारी ओमेगा 3, तो ये काफी हमारी जो प्रोडक्ट्स है वेल की सप्लीमेंट्स वो सारी हम यहाँ रखते हैं। फिर हमारे जो डे टू डे ओरल केयर के लिए जो है वो सारे टूथपेस्ट ब्रशेस आप देख सकते हैं, फिर बॉडी केयर के लिए आपको पाउडर्स है, फिर ये हेयर कलरिंग के लिए भी आपको सारे शेड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर औरतों के लिए फ्रीडम के सैनिटरी नैपकिन्स भी हम रखते हैं, फिर यहाँ आप देख सकते हैं आंवला जूसेस, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, ये सारी जूसेस भी, फिर ये मास्क हमारे हैं जो बहुत ही अच्छे मास्क है वो भी हमारे हैं, फिर हमारे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे वो सारे HD फ्लोर क्लीनर, स्टेरिक क्लीन, HD फ्लोर क्लीनर, स्पार्कल, वॉशमेट, फिर डेजोल, फिर स्पीक एंड स्पैन, ये सारी चीजें जो है, वंडर ड्रॉप, तो ये सिंघरे का है, फिर जो हमारी माइटी इन वन है, फिर जो हमारे सैनिटाइजर्स हैं वो भी यहाँ सब मिलते हैं, फिर सिल्वर डिप है जो हम सिल्वर की चीजें करते हैं, फिर सॉफ्ट वॉश जो हमारा व्हाइट पर्ल सोप है बहुत चलता है, इसमें 4 साबुन होते हैं, तो ये भी है, तो ये सारी हैंड वॉशेस है, तो ये सारी चीजें भी हमको यहाँ है। फिर
बेबी प्रोडक्ट्स भी हमारे सारे यहाँ पर है, तो आप बेबी प्रोडक्ट्स भी अगर किसी को लेना है तो वो सब हमारे अवेलेबल। फिर रेड ऑब्सेशन का हमारा फेशियल का किट भी हमारे पास होता है, इसमें मिस्ट भी है, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये सारे अर्बन किलर के भी है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें नेल पॉलिशेस है, लिपस्टिक्स है, लिप बाम्स है, फिर हमारे आईब्रो पेंसिल्स, आईलाइनर्स है, तो ये काफी जो शीट मास्क है वो भी काफी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशनर्स है, शैम्पूस है, क्लींजर्स है, फेयरनेस जेल है, फेस पैक है, फिर ये हैंड एंड बॉडी लोशन, फिर हमारे पास एनवीरो ग्लो भी है। तो आप जानते हैं कि अगर आप ये कुकू, ये देखिए हमारा कुकू जो एयर प्योरीफायर है उसके संग आपको ये जो एनवीरो ग्लोब भी आपको मिलेगा, और अगर आप डीपी से आपका डीपी है तो आपको 1,000 रुपये इसमें आपको बेनिफिट कंपनी आपको देती है। तो ये जो है ये भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट है हमको। फिर हमारे डीओज भी हैं, बहुत सारे डीओज आप मिल जाएंगे, तो ये काफी चीजें है। फिर शैम्पूज है सैलॉन के, फेस क्लींजर्स है हमारे, फिर फेस पैक्स है, तो ये काफी चीजें आप देख सकते हैं। फिर हमारे प्रोटीन पाउडर है, करेला नींबू स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों के लिए है, तो ये सारी आपको अभी आइडिया आई होगी, हो गई होगी कि इतने प्रोडक्ट, तो अभी मैंने कम से कम थैंक यू नीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डीपी के बारे में, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया नीता जी, नूतन जी, मुझे लगता है सभी के क्वेश्चंस जितने भी आए होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। मैं चाहूंगी रीना जी इसको कंक्लूड कर दे। रीना जी थैंक यू मैम, नेक्स्ट हो जाए। रेनू आप होस्ट है कि कोई बात कर रहे हैं उनको आप ये करिए म्यूट करिए। अच्छा ओके ओके ओके, एक द्रुति करके कोई है जो उनको म्यूट करिए। कंटिन्यू रीना जी, समझ सकते हैं? ऑलराइट, तो भाजी राम अब इसे थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। एक बोल म्यूट नहीं किया इसलिए सुनाई देता। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना तिवारी भरूच से मोदी केयर में डायरेक्टर हूँ। आपने देखा कि कैसे हम डीपी से बेनिफिट कर सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि आपने देख लिया कि मैं ऑली उत्ती को, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा जानकारी में दूंगी कि जो हमारा बॉडी बटर क्रीम है इस ठंडी के लिए बहुत ही अच्छा है। जहाँ हम बोरेल लगाते हैं तो एक बहुत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, लेकिन जब हम बॉडी बटर लगाते हैं तो स्मूथ होता है और हमारे स्किन में इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे स्किन को काफी देर तक मुलायम रखता है। लिप बाम है हमारा, जो लिप बाम हम देखिएगा बाजार का कोई भी लिप बाम लीजिएगा तो आपको उसको 2-4 महीने तक यूज करिएगा ना, तो उसमें एक अजीब सा स्मेल आता है, लेकिन जो हमारा मोदी का लिप बाम है उसमें कितना दिन भी आप यूज कीजिए कोई स्मेल नहीं आता है। और सबसे खास बात की मैं देखिए जब मैं इसको लगाती हूँ तो ये इजिली, और इसमें ठंडकपन आता है जो हमारे ओठों के कलर को नेचुरल रखता है, उसको गायब नहीं होने देता है। और इसमें जो हमारा हर्बल है इसमें पुदीना और कपूर का वैसे गला रहता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें ठंडक पड़े आता है। तो जो हम इस ठंडी में अपने ओठों को और अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छा रख रही है और इसको यूज कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब मैं इंद्रानी मैम को कुछ बोलने के लिए बोलूंगी। थैंक यू, ओवर टू इंद्रानी मैम। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बोला। बस डीपी के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। कीप इट अप, सब लोग डीपी अपने अपने लेग में खुलाइए और अपने बिजनेस को बड़ा करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैं समझती हूँ जितने लोग भी आज बैठे हैं उनके टीम में एक एक डीपी तो आ जाएगा, और आ जाने के बाद हमको जरूर बताइएगा कि ये जो नॉलेज मिला इससे कितना आपको फायदा हो गया। थैंक यू, जितने भी लोग आए हैं तुरंत अप्रोच करिए अपने अपलाइन को कि हमको डीपी खोलना है। थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय।